नाउ सम नंबर 4.14 स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ध्यान देना. इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. बच्चों विंड जो है उसकी स्पीड आपको दे दी है 72 किलोमीटर पर आवर. यहां पे मैं लिख लेता हूं वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एंड द फ्लैग ऑन द मस्ट ऑफ द बोट एंकर्ड इन हार्बर फ्लटर अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. जो फ्लैग है वो फ्लटर हो रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे ले लूंगा नॉर्थ को, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा साउथ वाला डायरेक्शन, ये ईस्ट वाला, और ये हो गया वेस्ट वाला. ठीक है. ओके. फिर आप जो फ्लैग है बोट के ऊपर जो फ्लैग है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लटर हो रहा है. क्लियर. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. ओके. नाउ अच्छा जो फ्लैग है वो किसकी डायरेक्शन में फ्लटर होता है? जो डायरेक्शन में विंड होता है वही डायरेक्शन में उसका फ्लटरिंग आएगा. ठीक है. जो डायरेक्शन में विंड होगा वही डायरेक्शन में उसका फ्लटरिंग आएगा. ठीक है ना. तो वेलोसिटी ऑफ विंड बोलो या वेलोसिटी ऑफ फ्लैग ऑफ फ्लटरिंग बोलो, दोनों सेम हो गया. तो फ्लैग इज फ्लटरिंग ऑन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो यहां पे आपका फ्लैग ये डायरेक्शन में फ्लटर हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर विच इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस एंगल इज बिकम 45 डिग्री. ओके. अब जो बोट है वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे है. इनिशियली हमारा बोट यहाँ पे खड़ा हुआ. ठीक है. देखते हैं अब क्या बोला है हमें. नाउ आपको ऐसा बोला है इफ द बोट स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर. यानी जो बोट का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 51 किलोमीटर पर आवर अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मस्ट ऑफ द बोट. अब क्या हो रहा है, जो बोट है वो ये वाली डायरेक्शन में अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे. ठीक है. ये वेलोसिटी ऑफ बोट. ठीक है. अब जैसे हवा आती है तो आपके जो बाल है वो कहां पे जाते हैं? पीछे जाते हैं. मेरे नहीं जाते, आपके जाते हैं. बराबर. जो आपके हेयर हो गए, आप जैसे जैसे बाइक पे जा रहे हो तो आपके हेयर कहां पे जाते हैं? पीछे जाते. ठीक है. अब आपका जो फ्लटरिंग है वो ये वाली डायरेक्शन में था ऐसे. अब जैसे बोट आगे बढ़ी तो फ्लटरिंग ऐसे आ जाएगा पीछे. ठीक है. जो फ्लैग है उसका जो फ्लटरिंग की डायरेक्शन है जब ऐसे थी वो थोड़ी सी पीछे हो जाएगी. ठीक है. तो वो कहां पे हो रही है, कौन से एंगल पे, वो हमें पता नहीं है. लेकिन जब बोट चली तब उसका फ्लटरिंग का डायरेक्शन क्या हुआ? पीछे हो गया. जब बोट चली तब फ्लटरिंग का डायरेक्शन क्या हो गया? पीछे हो गया. ठीक है. सो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग फ्लटरिंग. अब फ्लैग फ्लटरिंग का जो वेलोसिटी है वो हमारा विंड का ही वेलोसिटी है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट मुझे कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा. पहले उसका डायग्राम बनाता हूं. तो पहले मैं लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट क्या होगा. वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट. तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट ये हो जाएगा आपका VW माइनस VB. तेरी ये भी साथ आया माइनस वन. तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं VW प्लस माइनस VB. ठीक है. हमें माइनस VB चाहिए, प्लस VB सही नहीं है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से
सीधा इसको उठा के माइनस में डालेंगे, इसको ये वीबी को उठाओ, वीबी का माइनस कंपोनेंट लेना है तो ये ले लो माइनस, ये आ गया देखो, दिस इज माइनस वीबी, ये हमारा माइनस वीबी, हमें प्लस वीबी नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस वीबी, ये देखो माइनस वीबी आ गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम मेथड याद करो, इसका कंपोनेंट यहां पे, ठीक है, और इसका कंपोनेंट यहां पे, दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट हो गए वहां पे मुझे रिजल्टेंट आंसर मिलेगा, ये वाला, दिस इज माय रिजल्टेंट। ठीक है, इमेजिन करो कि आप दो वेक्टर का समेशन ले रहे हो, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका ए बार, ये हो गया आपका बी बार, ये दोनों का अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड समेशन करना है, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको पैरेललोग्राम का समेशन का ट्रिक बताया, तो वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया अप्लाई नहीं किया हमने, यही पैरेललोग्राम मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है। तो बच्चों जब आप पैरेललोग्राम अप्लाई कर रहे थे तब ए और बी ले रहे थे, तब उसके बीच का एंगल थीटा भी ले रहे थे, फिर ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, और ये आपका आर बन रहा था, तो आपको थीटा यानी दोनों दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ भाई चाहिए ही, तो भाई दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो इतना होगा। अब इतना एंगल कितना मिला आपको, 135 डिग्री, क्योंकि ये 135 ये 45 तो टोटल 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं रिजल्टेंट फ्लटरिंग का आंसर लिखता हूं, ठीक है, तो वी डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस टू वी डब्ल्यू बी बी कॉस थीटा। ठीक है, सो वी डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर, यानी हमारा आ जाएगा 72 का स्क्वायर, और उधर वी बी स्क्वायर की जगह पे मैं रखूंगा 51 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हम अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, तो 71 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर 271 कॉस 135। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ये फाइंड करने को बोला ही नहीं है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे इसे फाइंड करके रखे, आपको कुछ ज्यादा मिले इसीलिए। ठीक है, ये आपको फाइंड करने को क्वेश्चन में नहीं बोला है, हमने इतना देखा सिर्फ डायग्राम के लिए, और इसके ऊपर से ये इक्वेशन बना दिया सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा बहुत नॉलेज, ये आपको फाइंड करने को नहीं बोला है। आपको क्या बोला है कि फ्लैग ऐसे फ्लटर हो रहा था यहाँ पे, फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बोट चली तो फ्लटरिंग कैसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, फ्लटरिंग पीछे होता है ना, जब कोई भी फ्लैग आप ऐसे ऐसे पकड़ के रखते हो तो विंड ये डायरेक्शन में है, जैसे ही आप आगे चलोगे तो फ्लैग का फ्लटरिंग कहाँ पे हो जाएगा, पीछे वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये अल्फा फाइंड करना है, देखना ये वाला एंगल, ठीक है, कि वो कौन से एंगल पे फ्लटर हो रहा है, तो भाई ये सपोज ये अल्फा एंगल पे फ्लटर हो रहा है, विंड की ओरिजिनल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे उसका फ्लटरिंग हो रहा है, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं टेन अल्फा लगा दू, मुझे अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, अब हम डायग्राम याद करते हैं, ये हो गया आपका ए बार, ये हो गया आपका बी बार, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका आर बार, तो ये एंगल यहाँ पे आप अल्फा बनाते थे। तो बच्चों ये अल्फा का इक्वेशन आपने क्या रखा था, याद करो, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने इक्वेशन रखा था। ठीक है, ऊपर ये अल्फा है तो बी कौन सा है, ये वाला है, देखो उसके अलावा जो होगा वो अल्फा ए के साथ एंगल बन रहा है, तो उसके अलावा बी है वो है साइन थीटा, ए यानी जिसके साथ एंगल बना रहा है वो लिखना है यहाँ पे,
और बी कॉस थीटा, तो यही कंसेप्ट में यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूं। तो टेन अल्फा यानी बी, तो भाई मेरे लिए ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ठीक है, कौन सा ये वाला, ये हो जाएगा मेरा बी, ये वेक्टर ए और ये बी हो जाएगा, और ये मेरा रिजल्टेंट आर हो जाएगा, ये अल्फा हो गया। अब मैं वैल्यू पुट डाउन कर रहा हूं, यहाँ पे हो जाएगा बी बी, ठीक है, ये हो जाएगा बी बी साइन 135 डिवाइड बाय वी डब्ल्यू प्लस वी बी कॉस 135, ठीक है, सब वैल्यूज रखेंगे हम लोग। सो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू यानी कितना हो जाएगा आपका 51, ये 1 डिवाइड बाय रूट 3, ये 72 प्लस 51 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 3। अब बच्चों इसका आंसर आप लाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला है 45.1 डिग्री के आसपास, ठीक है। सो देट टेन अल्फा इज इक्वल टू 1.00374, सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1.00374, सो अल्फा इज इक्वल टू 45.1 डिग्री, यानी ये जो है यहां से 45.1 डिग्री पे ये फ्लटरिंग करेगा। अगर आपको ऐसा बोले कि नॉर्थ डायरेक्शन से कौन सी, तो बोलेंगे 45 प्लस 1 प्लस ये 45, यानी 90.1 डिग्री पे वो फ्लटरिंग करेगा। तो ये हमारा आंसर था।